नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनवर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट अनवर वारसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोकोन एएस किट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको जोकोन एएस किट की पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में घंटे का आइकन आए उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, इसके कंपोजिशंस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तभी आपको एग्जैक्टली क्लियर हो पाएगा कि किस किस बीमारी में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जोकोन एएस किट जो कि एफडीसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, अगर इसके केमिकल साल्ट्स की बात करें तो इसमें फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, सेक्निडाजोल जैसे तीन तरीके के साल्ट्स डाले जाते हैं। दोस्तों, इसके पावर को आप देख सकते हैं, फ्लूकोनाजोल 150 mg में, एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम में और सेक्निडाजोल 1 ग्राम में डाला जाता है। दोस्तों, अगर इसके MRP की बात करें तो ₹126 इसकी MRP है और इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। कुछ इस तरह की पैकिंग है इसकी, इसमें 4 टैबलेट्स की पैकिंग होती है, एक किट होता है पूरा। दोस्तों, ये किट महिलाओं के लिए बनाया गया है, स्पेशली ये वेजाइनल डिस्चार्ज में इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं में वाइड डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, उस केसेस में जोकोन एएस किट दिया जाता है। महिलाओं में वाइड डिस्चार्ज की समस्या को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे उनमें स्मेल, बैड स्मेल की समस्या हो जाती है, कलर चेंज की समस्या हो जाती है, या एचिंग की समस्या हो जाती है, इरिटेशन की समस्या हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन की समस्या हो जाती है। वाइड डिस्चार्ज की समस्या के साथ साथ ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जोकोन एएस की टैबलेट दिया जाता है। कह सकते हैं ल्यूकोरिया जैसे केसेस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला के वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो गया है या किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेस में जोकोन एएस किट दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जोकोन एएस किट में फ्लूकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल दवा है, एजिथ्रोमाइसिन, सेक्निडाजोल जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। दोस्तों, फ्लूकोनाजोल का काम होता है कि ये बॉडी में जाने के बाद में जो वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है उसको किल करता है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन के प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है जिससे कि जो है फंगल जो है सर्वाइव करता है आपकी बॉडी में, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो है किल करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो है डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगाई जो होती है वो किल हो जाती है। और एजिथ्रोमाइसिन और सेक्निडाजोल एक एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है उनको किल करने का काम करता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे वर्क कैसे करती है बॉडी में। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे वेजाइनल इचिंग हो सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है, यानी कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपके खाने का स्वाद बदल सकता है, और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शंस की समस्या हो सकती है, और हेडेक, डिजीनेस, स्टमक पेन, नाजिया, इंडाइजेशन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसी तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसको कैसे खाना होता है महिलाओं को। दोस्तों, पहली गोली जो है यह सुबह नाश्ते के बाद लेनी है, और ये दूसरी गोली दोपहर को खाना खाने के 1 घंटा पहले ले सकते हैं, और ये दोनों टैबलेट्स जो सफ़ेद टैबलेट्स दिख रही हैं आपको, ये रात को खाने के बाद में लिया जा सकता है। इसी तरीके से महिलाओं को ये किट दिया जाता है, इसमें मेंशन होता है, इसको आप देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से आप तुरंत कंसल्ट करें, वो आपको सजेस्ट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।